नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्टिफर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मार्टिफर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मार्टिफर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मार्टिफर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मार्टिफर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मार्टिफर टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेशाब में इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आने का मन होना और बुखार होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। मार्टिफर टैबलेट पेशाब में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है और पेशाब के इन्फेक्शन को ठीक करती है। मार्टिफर एक ब्रांड नेम है। मार्टिफर टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन होता है। मार्टिफर टैबलेट 50 mg व 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्टिफर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मार्टिफर टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में मार्टिफर टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, दस्त, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द, चक्कर आना और त्वचा पर रैशेस आदि साइड इफेक्ट्स मार्टिफर टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्टिफर टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मार्टिफर टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिकमेंडेड होता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को मार्टिफर 50 mg टैबलेट को दिन में 4 बार लेने की सलाह देते हैं और मार्टिफर मॉडिफाइड रिलीज 100 mg टैबलेट को दिन में केवल 2 ही बार लेने की सलाह देते हैं। मार्टिफर टैबलेट को डॉक्टर 7 दिन तक लगातार लेने की सलाह देते हैं। मार्टिफर टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मार्टिफर टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मार्टिफर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्टिफर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मार्टिफर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर मार्टिफर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना मार्टिफर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर जरूरत पड़ने पर मार्टिफर टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मार्टिफर टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मार्टिफर टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मार्टिफर टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मार्टिफर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मार्टिफर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।